हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे महासेफ सीवी 200 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में, इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, इसके डोज के बारे में, कब इसको खाना है, कितने टाइम खाना है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में, कब इस टैबलेट को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, कहीं भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, 100% आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो दोस्तों, कंपोजिशन में यह है कि इसमें आप देख रहे हैं कि सिफिक्सिम और केलोनिक एसिड। महासेफ सीवी का मतलब ही यही है, महासेफ का मतलब सिफिक्सिम यानी उसमें सिफिक्सिम है, और सीवी का मतलब ये होता है कि इसमें केलोनिक एसिड मौजूद है। अगर आप महासेफ प्लेन लेते हैं तो उसमें सिर्फ आपको सिफिक्सिम मिलेगा, लेकिन आप महासेफ सीवी लेते हैं तो आपको उसमें दो साल्ट मिलेगा, एक सिफिक्सिम मिलेगा, दूसरा केलोनिक एसिड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही फर्क होता है नाम में। महासेफ सीवी 200 नाम से ही क्लियर है कि इसमें दो साल्ट है। अगर आप प्लेन महासेफ लेंगे तो उसमें सिर्फ आपको सिफिक्सिम मिलेगा। तो सब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर इस वीडियो को ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यूज़ में इसके सिफिक्सिम, जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं गुडसेफ टैबलेट पे, इसी साथ साथ जीवी टैबलेट पे, बहुत सारे टैबलेट पे मैंने वीडियो बनाई है, सब में सिफिक्सिम, सिपोडॉक्सिम, अमोक्सिसिलिन होता है, सारे के सारे एंटीबायोटिक हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आमतौर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ किया जाता है। ये डॉक्टर की चॉइस होती है कि वो कौन सा एंटीबायोटिक आपको प्रीफर करता है। आपकी कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए। तो सिफिक्सिम और केलोनिक एसिड दोनों एंटीबायोटिक है, दोनों का इस्तेमाल आमतौर से डॉक्टर जो है किसी भी तरीके के बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आमतौर से टाइफाइड में ज़्यादा इस्तेमाल इसका किया जाता है, नमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस कोई भी अगर गले में कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई कान का या कोई आँख का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बिल्कुल क्लियर इसको समझ लीजिए कि किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके डोज पे। तो दोस्तों, सिफिक्सिम का जो डोज है वो 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ओरल डोज, ठीक है, वंस आर ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार या दिन में दो बार देना है, 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे। बच्चों में 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से चलती है। एडल्ट डोज जो इसका है वो 400 मिलीग्राम डेली एवरी 12 आवर, यानी दिन में दो टैबलेट इसका डोज है, 400 मिलीग्राम डेली, दिन में दो टैबलेट, एक टैबलेट इसका है 200 मिलीग्राम का, तो 400 मिलीग्राम दिन में दो बार यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग, एक टैबलेट मॉर्निंग में एक टैबलेट इवनिंग में इसका नॉर्मल डोज है। अब हम आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट पे। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं। सिफिक्सिम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है, महासेफ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत सारी अलग ब्रांड भी आती हैं, आप कोई ब्रांड ले सकते हैं, डॉक्टर कोई भी ब्रांड पसंद कर सकते हैं, हमको जो बात करना है वो सिफिक्सिम और केलोनिक एसिड पे बात करना है। तो दोस्तों, इसका कोई बहुत ओरल कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। थोड़ा सा हेडेक किसी को हो सकता है, किसी को उल्टी हो सकती है, किसी को स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, अगर ज़्यादा नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उससे बताना अपनी कंडीशन, डॉक्टर को ये डिसाइड करेगा कि दवा को कंटिन्यू करना है या दवा को बंद करना है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस दवा को आपको कैसे खाना है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद आधा घंटा एक घंटा के बाद या खाना खाने के फौरन बाद भी आप इस दवा को खा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके कि कब इस सिफिक्सिम को कब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग घर पे कुछ दवा खाते हैं, कहीं से लोकल दवा ले लिया और उसके बाद फिर बड़े डॉक्टर के पास वो जाते हैं तो वो फिर कोई सिफिक्सिम का कोई अलग नाम से कोई टैबलेट लिख देते हैं। तो आपको ये ख्याल करना है कि कोई दूसरा टैबलेट जो सिफिक्सिम नाम से है वो अगर आप घर पे रख रहे हैं उसके बाद अपने डॉक्टर को बताइए कि मैं ये दवा खा रहा हूँ, उसको दिखाइए। तो अगर आप महासेफ खा रहे हैं तो सिफिक्सिम का कोई दूसरा कंपोजिशन ना खाएं, वरना डोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिए, उस नाम से कोई दूसरी दवा ना खाए। अगर आपको इससे एलर्जी है, कोई परेशानी है, तब भी आपको इस टैबलेट का या इस सिफिक्सिम का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये रही जानकारी पूरी महासेफ सीवी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।